नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में कच्चे कर्मचारी हरियाणा। हरियाणा पार्ट टाइम कर्मचारी समान काम समान वेतन से जुड़ी बड़ी धमाकेदार खबर, तो देखते हैं पूरी जानकारी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आई है, CDLU को 3 महीने के भीतर समान वेतन मामले में देना होगा फैसला हाईकोर्ट। सिरसा, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम टीचर को समान काम समान वेतन नीति के तहत वेतनमान नहीं मिल रहा। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि CDLU 3 माह में पार्ट टाइम टीचर की मांग को फैसला ले। इन टीचर ने CDLU को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि समान काम समान वेतन नीति के तहत उन्हें वेतन मिले, महिला टीचर्स को लाभ दिया जाए। VC ने हमारे ज्ञापन पर संज्ञान नहीं लिया, इसलिए हाईकोर्ट याचिका दायर की। CDLU के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश कुमार बंसल का कहना है कि हाईकोर्ट की ओर से फैसले की कॉपी मिल गई है, कमेटी का गठन करेंगे और आगामी प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो CDLU के जो रजिस्ट्रार है उन्होंने कहा है कि जो हाईकोर्ट की ओर से उन्हें जो फैसला है उसकी कॉपी मिल चुकी है और कमेटी का गठन करेंगे और आगामी प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो CDLU यूनिवर्सिटी में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में जो पार्ट टाइम में टीचर है उनसे जुड़ा ये मामला है। समान वेतन मामले में यहाँ पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। और यहाँ पर जो कर्मचारी है उन्होंने मांग उठाई है कि उन्हें समान काम समान वेतन के तहत उन्हें वेतनमान नहीं मिल रहा, इसी को लेकर जल्द 3 महीने में फैसला देना होगा CDLU यूनिवर्सिटी को। तो ये अपडेट थी कच्चे कर्मचारी स्टूडियो जो आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।